डॉक्टर साहब ने क्या बताया क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तरह करामत करम फजल और शुक्र के साथ आज का विदा करते हैं जी शुरू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चतर आवाज है जुआर दी। चलो ये भाई अब जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो आइए शुरू करते हैं आज की व्लॉग। जुवार टांटी दिया कसरत वीलो वगे बस रागले मा हां लगा सोड़े ए बस रागन को कसरत मेलो न शो यार या आगे बबल पटी याद करियो जदे पटी करा लो। अब ये भाई बता रहा है, ये मेरा दोस्त है, कि मुझे किसी ने कहा हुआ था कि आप कह तो कि ऊपर आओ तो पट्टे शट्टे ले जाओ, तो इस भाई से जो है ना मेरा भाई कैद भूल गया है, कहा हुआ था कि आप उस कैद के ऊपर आए और ये 2-3 किलोमीटर फासला करके दूसरे कैद के ऊपर आ गया है, तो अभी इसके लिए मसला बन गया कि हफीज भाई मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि अभी आप उस दूसरे कैद के ऊपर जाओ, जो भी होगा जहाँ तो तकलीफ तो आपके सर आ चुकी है तकलीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझसे ब्लड टेस्ट जो है ना, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और डॉक्टर साहब ने कहा हुआ था कि आप ब्लड सैंपल ले लें किसी अच्छी लेबॉरेटरी के ऊपर, तो उस ब्लड सैंपल से आप का पता लगेगा कि कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं, क्योंकि कभी मेरे एक हाथ पर दर्द होता है कभी दूसरे हाथ पर दर्द होता है, तो इन टेस्टों के अलावा जो है ना कोई चारा नहीं था। अभी जो है ना ब्लड सैंपल ले ली गई, अभी दोबारा जो है ना पट्टी लगाई जा रही है मेरे बाजू के ऊपर, आप देख सकते, आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट। One hour later. अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल से फारिग होके यहाँ पर इंशाल्लाह पेशावर की मछली खाएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। The door is closing. One hour later. ऐसा क्या कह रही है आपको, क्या कह रही है बाल को, वो कह रही है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है आपके साथ। चलो दोनों बहनें क्रिकेट खेलो। आए 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 वो आयशा क्रिकेट खेल रही है। हाँ मेरी ला रही है, ये आप देख सकते हैं राका गुंडा राका ना, ये आयशा ने ला दिया जी। शाबाश दूध देने जा रहे हैं, शाबाश बैठ जाओ भाई के ऊपर जी। मैं और आयशा दूध वाले के घर के ऊपर अभी आ गए, काफी मजेदार और शानदार है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं सुहाना सुहाना दूध भी आ गया। वहां चल रहा है के वाचा देखो के वाचो राश रो पे देखे वाचो शाब शाबा शाबा चलो जी। दूध आ गया, दूध हमने ले लिया और प्यारा अभी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता घर को। आयशा तुम भी जा रहे हो घर को। चलो जी शॉप के ऊपर जाओ, अभी जा रहा हूँ दूसरी शॉप के ऊपर, वहाँ से मैंने लाने हैं बच्चों के लिए अंडे, तो आइए चलते हैं शॉप के ऊपर और अंडे ले आते हैं घर को।
आपको दिखाते हैं यहाँ कि जबरदस्त पैरट, ये मेरा भाई है वाजिद। वाह वाह वाह, अलग ही पारा है, पारा करा से। वाह वाह जी, वाह वाह जी, वाह हाय 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 हाय। ये वाजिद मेरा भाई है और ये इसकी शॉप है, अभी इसे दुकान में पाले हैं पैरट माशाल्लाह। वाजिद भाई भी बहुत ही जबरदस्त है। ये कितने का जोड़ा है? ये 700 का। 700 का माशाल्लाह। तो वाजिद भाई मुझे देंगे फ्री में दो जोड़े, है ना? अबू जान और उसके साथ एक और अपने हम पल्ला गप शप लगा रहे हैं। चलो जी अंडे ले ली, इसको घर पर जो है ना देते हैं, अभी भी जो हम इंशाल्लाह शॉप हो जाएंगे। आए जा रहा होगा टाटा, टाटा होगा शाप। ले जी दूध का ड्यूटी भी ख़त्म हो गया, जा रहे हैं नमाज के लिए, नमाज मगरिब के लिए करके फिर इंशाल्लाह शॉप को जाते हैं, फिर आपके साथ सारी डिटेल शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब ने हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया क्या नहीं। माशाल्लाह एक शाद के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त होते लगे हैं। Few moments later. ले जी अल्हम्दुलिल्लाह दुकान के ऊपर हम पहुँच गए, नमाज मगरिब अदा की और दूध भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी हमने ला दिया। अब शॉप का टाइम है, आप देख सकते हैं सुबह से भी जो है ना वो हम डॉक्टर के पास गए हुए थे, उस टाइम भी जो है ना हमने यहाँ पर कुछ मजदूरी वजदूरी कर लेते हैं कि मैंने कहा हुआ था कि इंशाल्लाह डॉक्टर ने जो कहा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मेरा कभी इस हाथ पर दर्द होता है, कभी इस हाथ पर मेरा दर्द सा आ जाता है, तो डॉक्टर साहब ने कुछ ज़रूरी टेस्ट लिख कर दी हुई थी कि आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में जाओ और ये ज़रूरी टेस्ट करवा ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेशावर कॉम्प्लेक्स गया जो हमारे से तकरीबन 50 किलोमीटर है, तो वहाँ से जो है ना कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा ली। फिर डॉक्टर साहब को वो टेस्ट मैंने दिखा दी ऑफ द कैमरा, क्योंकि वहाँ कैमरा एलो नहीं था। एक टेस्टों में कोई मसला नहीं, कुछ मेडिसिन लिख कर दी, कुछ विटामिंस की, वो आप वक्तन फवक्तन ले तो इंशाल्लाह आप इससे बेहतर फील करेंगे, बेहतर हो जाएंगे। पेशावर के जो है ना मशहूर ने मछली खाई, वो भी आपके साथ शेयर कर दी। फिर उसके बाद दूध वाले के घर पर तो ही थी आज हमारी सारी दिन की रूटीन। आपको कैसा लगा? बाकी आजकल दुकानदारी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, जिस तरह व्यूज कम आ रहे हैं इस तरह दुकानदारी भी कम आ रही है। बाकी आप लोग देखें, ये हमारी दुकान की फ्रंट है माशाल्लाह, सामने वाला सूप वाली की शॉप है, इस साइड पे करियाना है और इस साइड पे मोबाइल वाला शॉप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर आज मजदूरी सही हो जाए। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने भाई हफीज़ुल्लाह को दीजिए इजाज़त बहुत सारे दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपनी फैमिली वाले के साथ। अल्लाह हाफिज़।